पूरे देश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में विजिलेंस सप्ताह मनाया जा रहा है। मुरादाबाद के मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पर विजिलेंस सप्ताह के अंतर्गत एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कराया गया, जिसमें SP देहात विद्यासागर मिश्रा ने पहुंचकर सभी को जागरूक किया और साथ ही ये कहा है कि हम सब मिलजुल कर ईमानदारी से काम करें। मंडल रेल प्रबंधक अजय नंदन ने कहा है कि हम सब रेल को आगे बढ़ाने के लिए प्रण करेंगे तो देश को हम आगे बढ़ाने के लिए अपना भरपूर योगदान देंगे। मुरादाबाद रेलवे डिवीजन में विजिलेंस सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत लगातार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। शुक्रवार को मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के मीटिंग हॉल में विजिलेंस सप्ताह के अंतर्गत जागरूकता गोष्ठी का आयोजन कराया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंडल रेल प्रबंधक अजय नंदन, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण विद्यासागर मिश्र ने पहुंचकर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को जागरूक किया। बैठक को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक ग्रामीण विद्यासागर मिश्र ने कहा कि हम सब अपने कार्य को ईमानदारी के साथ करें और अपने देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान देते रहें। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने आगे कहा, हमारे यहाँ मतलब स्टेट गवर्नमेंट में भी दिक्कतें हैं कई बार, लेकिन वो चीजें अब वो सामने आ जाती है। किसी प्रकार का छुपाव दुराव करके हम किसी निर्णय को बहुत समय तक स्थगित नहीं रख सकते। हमें एक निर्णय तक पहुंचना चाहिए। अनिर्णय की स्थिति भी जैसा ADRF सर ने कहा, वो हमारे सत्य निष्ठा को प्रभावित करता है। जो निर्णय लेना है हर चीज की SOP है, उसके अनुसार हम निर्णय लेकर के अपने कार्य को उचित ढंग से कर सकते हैं। सर, आप लोगों ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और हम सब एक ही तंत्र के हिस्सा हैं और हम सब मिल करके एक जवाबदेह प्रशासन, पारदर्शी प्रशासन और निष्पक्ष प्रशासन की उम्मीद कर सकते हैं। और हम सभी लोग कर भी रहे हैं और हमारा विश्वास है कि इस सप्ताह हम जिन संकल्पों को लेंगे, उन संकल्प के साथ पूरे वर्ष भर मनोयोग से हम अपना काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। विजिलेंस सप्ताह के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम में पहुंचे मंडल रेल प्रबंधक अजय नंदन ने कहा कि हम सब ईश्वर के बाद अपने काम को सब कुछ समझें। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम तरक्की की ओर आगे बढ़ते रहेंगे। ईमानदारी के साथ काम करें, देश और प्रदेश के साथ रेलवे को आगे बढ़ाने के लिए अपना भरपूर योगदान दें। विजिलेंस सप्ताह के अंतर्गत पूरे डिवीजन में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हमें विजिलेंस टीम से डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम ईमानदार हैं तो हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। दूसरों के लिए हम आदर्श बने और सभी को संदेश देते रहें। हर आदमी जो रेलवे में काम करने आता है वो सोसाइटी को, इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इस कंट्रीब्यूशन के बदले हर आदमी को सोशल स्टैंडिंग मिलती है। सो यू कैन से कि हमारे यहाँ जो ब्रूटी स्टाफ भी आता है वो उसकी वो सोशल नीड लेवल पे आता है और उसके अलावा फिर आप हायर ग्रेड पे जैसे जैसे वो जाता रहता है तो उनकी सोशल स्टैंडिंग और ये सारी चीजें मिल जाती हैं। बट 10-15 साल 20 साल काम करने के बाद उस आदमी को तो ये लगता है कि वो ईगो नीड्स होते हैं, जिसमें आप आदमी की उसको लगने उसको ये सेंस तो अपने आप आना चाहिए कि मैंने कुछ ऐसा काम कर दिखाया जो आज तक किसी ने, और उसके इसमें बहुत सारे लोग इनोवेशन करते हैं, बहुत सारे लोग अपनी जान की परवाह नहीं करके कोई काम कर लेते हैं, बहुत सारे लोग कोई नई चीज काम को बहुत जल्दी करने के तरीके निकालते हैं। तो ये सारे काम जो लोग करते हैं वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करते हैं, जिससे उनको ये संतुष्टि जुड़ी बना है कि उन्होंने रेलवे में केवल नौकरी करके अपनी तनख्वाह नहीं रखी, उन्होंने रेलवे को कोई ऐसा अनूठा उपहार दिया बदले में कि रेलवे ने जो उनको सोशल स्टैंडिंग दी है, उनको जो रोटी कपड़ा मकान के लिए सुनिश्चित किया, उनके परिवार की सुरक्षा के लिए सुनिश्चित किया है, इस सबके बदले उन्होंने रेलवे को भी अपनी तरफ से दिया है। तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तो कहने का मतलब ये एक बात हमें समझ लेनी चाहिए कि हम लोग जितने भी रेलवे में काम करते हैं वो सिर्फ रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं करते हैं। आज के देश में अगर हमारा रहने का तरीका, खाने का तरीका, समाज में हमारी इज्जत, हमारे रिलेटिव्स में हमारी इज्जत, ये सारी चीजें जो है हम जिस प्रकार से समाज में देखे जाते हैं वो बहुत बड़े अंश में इस वजह से है कि हम रेलवे के पार्ट हैं और रेलवे से जुड़े हुए हैं और रेलवे में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो दो चीजें बहुत साफ साफ है कि जैसे ईश्वर ने हमको वो बनाया जो हमारे हैं, उसी तरह से रेलवे ने भी वो हमको बनाया जो हमारे हैं। और जैसे ईश्वर के साथ हमारा जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, रेलवे के साथ जन्म जन्मांतर तो नहीं लेकिन मृत्यु पर्यंत जरूर है। तो ये दोनों चीजें
एक बार जब मन में आपको ये इस चीज से कन्विंस जब हो जाएंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि आपको डिवोशन क्यों रखना चाहिए और कितने लेवल से डिवोशन रखना चाहिए। ये डिवोशन के बारे में मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सबको आज से ही शुरू कर देना चाहिए, बट ये जो मैंने कहा इस बात पे कभी खाली समय बैठकर आप सोचें कि डिवोशन आखिर क्यों चाहिए।